हिमाचल प्रदेश के सपूत को सीबीआई चीफ की कुर्सी मिली है और हिमाचल प्रदेश से ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें जो सीबीआई का चीफ बनाया गया है। जीपी हैं, 1986 बैच के ये अधिकारी हैं और मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। आपको बता दें प्रवीण सूद के बारे में, तो 22 साल की उम्र में ये आईपीएस अधिकारी बन गए थे। इन्हें उस वक्त कर्नाटक कैडर जो है वो आईपीएस में मिला था और उसके बाद जो है वो कर्नाटक में उन्होंने अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी और उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के चलते उन्हें आज जो है वो सीबीआई का चीफ बना दिया गया है। अब बात करेंगे शिमला नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर को लेकर, तो ओक ओवर में इस वक्त बैठक चल रही है कांग्रेस पार्टी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में मौजूद है और सभी पार्षद वहां पर पहुंच चुके हैं। 3 मंत्री जो है वहां पर आए हुए हैं। आपको बता दें रोहित ठाकुर वहां पर मौजूद है, अनिरुद्ध सिंह वहां पर मौजूद है और उनके साथ विक्रमादित्य सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हर्षवर्धन चौहान क्योंकि प्रभारी थे नगर निगम के, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें इनके अलावा प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस प्रतिभा सिंह यहां पर हैं और उनके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो सह प्रभारी है हिमाचल प्रदेश के तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू, वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो मेयर और डिप्टी मेयर का चयन किया जा रहा है, बातचीत पार्षदों के बीच में हो रही है, पार्षदों से जानकारी ली जा रही है, उनको सुना जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर उनकी पसंद आखिर क्या है। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। पार्टी की बैठक जो है वो सीएम आवास पर आज बुलाई गई थी। इसमें प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू भी जो है वो प्रमुख रूप से यहां पर आए हुए हैं। उनके सामने ये पूरी बातचीत हो रही है और सभी लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर आखिर कौन होना चाहिए। तो सभी 24 पार्षद जो है यहां पर कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं और अभी कुछ देर बाद जो है वो नाम भी घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि कल जो है वो इनकी ओथ होनी है और कल मेयर और डिप्टी मेयर के साथ सभी पार्षद भी जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो दोनों पदों के लिए दावेदार जो है वो कई हो चुके हैं, मगर सुरेंद्र चौहान को जो है वो मेयर बनाया जा सकता है। इसकी खासी चर्चा जो है वो पिछले कई दिनों से यहां पर है, वरिष्ठता में सबसे आगे है और सुरेंद्र चौहान जो है वो मुख्यमंत्री की भी यहां पर पहली पसंद है। वहीं डिप्टी मेयर के पद पर सिमी नंदा का नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। उनके अलावा नरेंद्र ठाकुर है, वो भी यहां पर वरिष्ठ है और उनका भी दावा जो है वो पुख्ता है। साथ ही सुषमा कुठियाला वो भी वरिष्ठता में आती है, उनका भी दावा यहां पर डिप्टी मेयर की पोस्ट के लिए है और उमा कौशल भी है। अन्य खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में जो प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी थी कि एनपीएस यहां पर नहीं कटेगा, लेकिन एक समाचार यह है कि अप्रैल महीने में भी एनपीएस का शेयर जो है वो कर्मचारियों का कटा है। और आपको बता दें ये सरकार के विभागों के कर्मचारी नहीं है बल्कि 2 उपक्रम जो सरकार के हैं उन दोनों उपक्रमों में जो है वो ओपीएस लागू अब तक नहीं हो सका है, वहां पर एनपीएस का शेयर अप्रैल में भी कटा है। इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड है और बिजली बोर्ड के अलावा जो है इसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम है जिनके कर्मचारियों का एनपीएस का शेयर जो है वो अभी भी कट रहा है क्योंकि उनके बोर्ड प्रबंधनों ने जो है वो अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है कि उनको ओपीएस अपने कर्मचारियों को देना है या नहीं देना है। लेकिन कर्मचारियों में जो है वो बड़ी नाराजगी इसमें है कि उनको विकल्प नहीं मिला है, तो इससे वहां के कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। खासकर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष है कामेश्वर, उन्होंने जो है वो प्रबंधन को, अपना जो बोर्ड प्रबंधन है उनका, उसको चेतावनी दी है उन्होंने और कहा है कि उनके यहां पर भी यानी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर भी पेंशन रूल 1972 लागू है और वर्ष 2003 के बाद जो कर्मचारी लगे हुए हैं पुरानी पेंशन के वो भी हकदार हैं। तो बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, मगर दोनों निगमों के प्रबंधन अब तक जो है वो इस बारे में कोई आदेश नहीं कर सके हैं और सरकार के जो आदेश है उनकी पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है। इस तरह के आरोप इन कर्मचारियों ने लगाने शुरू कर दिए हैं। तो कर्मचारियों के वेतन से न्यू पेंशन शेयर की जो कटौती की गई है उसको लेकर नाराजगी है और यूनियन के अध्यक्ष ने कहा है कि बिजली बोर्ड में वर्ष 2003 के बाद नियुक्त हुए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलाकर लगभग 9,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका शेयर कट रहा है और ये सभी ओपीएस का विकल्प जो है वो अपने प्रबंधन से चाहते हैं। तो उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि प्रबंधन अगर इसमें देरी करता है तो लिहाजा वो सरकार से इस संबंध में बात करेंगे अगर इस मसले पे कोई देरी होती है, कोई आदेश इसमें जारी नहीं होता है। तो हम आपको बता दें कि पिछले सप्ताह कर्मचारी यूनियन की तरफ से बिजली बोर्ड प्रबंधन को लेटर लिखा गया था, जो अध्यक्ष हैं रामसुभग सिंह उन्हें पत्र लिखा गया था, लेकिन उनकी तरफ से अब तक इस संबंध में कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की गई है। तो अब देखना यह है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी ओपीएस का विकल्प मिलता है या नहीं मिलता है, जबकि राजस्थान में उनको यह विकल्प वहां पर मिल चुका है और राजस्थान में ओपीएस वहां के कर्मचारी जो है वो बिजली कर्मचारी ले रहे हैं। इसी तरह का मसला यहां पर पथ परिवहन निगम का भी है और परिवहन निगम के कर्मचारी भी इस संबंध में जो है वो निराश हैं और वो भी चाहते हैं कि उनको भी विकल्प दिया जाए, उसके बाद वो इस पर विचार करेंगे। एनपीएस कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं तो आभार रैली ये सरकार की करने वाले हैं, हम काफी समय से बता रहे हैं लेकिन इसकी तारीख अब तय हो चुकी है। 28 मई को धर्मशाला में कर्मचारियों की आभार रैली जो है वो एनपीएस कर्मचारियों की होगी। तो एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम जो है अपना तय कर दिया है और पूरी सरकार को वहां पर आने का न्योता जो है इनकी तरफ से दिया जा रहा है। पिछले कल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है प्रदीप ठाकुर, उन्होंने प्रियंका गांधी से मिलकर उनका आभार जताया था। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय में प्रदीप ठाकुर वहां पर आए अपने समर्थकों के साथ और उन्होंने प्रियंका गांधी का जो है वो आभार वहां पर जताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो वायदा यहां पर गारंटी एक दी थी ओपीएस लागू करने की, उसे यहां पर लागू कर दिया गया है। तो अब एनपीएस कर्मचारी धर्मशाला में एक आभार रैली 28 तारीख को करने जा रहे हैं जिसमें 1,00,000 लोगों को जुटाने का एक बड़ा लक्ष्य जो है वो इन्होंने रखा है। अब बात करेंगे शिक्षा विभाग की, तो अध्यापक भर्ती को लेकर जो फाइल है वो वित्त विभाग को जो
है वो वापस भेज दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, और उम्मीद है कि अगली जो कैबिनेट बैठक 17 को होने जा रही है उस कैबिनेट में जो है वो तीन विभागों की भर्तियों के मामले यहां पर जरूर आएंगे। इसमें शिक्षा विभाग का जो मसला है 3500 के लगभग अध्यापकों की भर्ती यहां पर की जानी है, उस फाइल को जो है वो वित्त विभाग को फिलहाल मंजूरी के लिए भेजा गया है, तो 17 की कैबिनेट में इसे लाया जा सकता है ऐसी पूरी संभावना यहां पर देखी जा रही है। वहीं मुख्य सचिव ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में पैरा पॉलिसी का मामला भी इस कैबिनेट में आ सकता है, इसके तहत भी जल शक्ति विभाग में कुछ नई भर्तियां जो है वो की जानी है। हालांकि जो एक भर्तियों को लेकर जल शक्ति विभाग में पहले कहा गया है कि जो आउटसोर्स पर भर्तियां होती है वो नहीं की जाएंगी और नए सिरे से नियमित आधार पर भर्तियां वहां पर की जाएगी, तो पैरा पॉलिसी एक विकल्प है जल शक्ति विभाग के पास जिसको लेकर जो है वो चर्चा इस कैबिनेट में हो सकती है। इसके अलावा सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी जो है वो डॉक्टरों की भर्ती का मामला आने वाली कैबिनेट बैठक में आ सकता है। कर्मचारियों के ज्वाइनिंग पीरियड को कम करने को लेकर भी ये मामला जो है वो कैबिनेट बैठक में आ सकता है, क्योंकि जिनकी भी ट्रांसफर होती है उस कर्मचारी को जो है वो पहले 10 दिन का समय इसमें दिया जाता था कि वो दूसरी जगह पर ज्वाइनिंग अपनी देगा को ना मिल सके। हिमाचल प्रदेश के जो HRTC कर्मचारी हैं, ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान ये कर दिया है। सुखू सरकार के लिए सबसे पहली चुनौती जो है ये हो सकती है कि कल से जो है वो HRTC के ड्राइवर कंडक्टर अपनी रात्रि सेवाएं नहीं देंगे, ये बात की है उन्होंने, ये ऐलान किया है। और अगर उनके साथ बातचीत करके मामला सुलझा नहीं तो सरकार के लिए ये दिक्कत हो सकती है और आम जनता के लिए ये परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ड्राइवर और कंडक्टर ने आज भी बैठक किया और इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। सरकार की तरफ से उन्हें बातचीत का अभी तक कोई भी न्योता नहीं मिला है, जिसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कल से रात्रि सेवाएं जो है वो लोग नहीं देंगे। तो HRTC ड्राइवर यूनियन ने ये ऐलान किया है। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि बिना रात्रि एडवांस के वो सेवाएं अब नहीं देंगे। रात्रि सेवा के लिए जो है वो 3900 रुपए की एडवांस की डिमांड इन्होंने की है और इनका कहना है कि 2500 के करीब जो है वो हिमाचल प्रदेश में HRTC के रात्रि बस रूट हैं जो जिन पर वो सेवाएं दे रहे हैं और ये पूरी तरह से प्रभावित कर दिए जाएंगे, पूरी तरह से इनको बंद कर दिया जाएगा। तो रात्रि के साथ साथ मंगलवार को, अगर कल बात नहीं बनती है सोमवार को कोई, तो मंगलवार को सुबह के समय भी ये परेशानियां जो है वो लोगों को झेलनी पड़ सकती है। तो रात्रि रूटों पर बसों के ना जाने से सुबह भी लोगों को जो है वो दिक्कतें आएंगी और हिमाचल प्रदेश की जनता इससे जो है वो खासी परेशान हो सकती है।